इन्हीं को धारण करके लीला का मंचन किया जाएगा। ग्राम मुख्य मंदिर है, इसके आपको अभी दर्शन कराते हैं। ये यहाँ के नरसिंह भगवान का मुख्य मंदिर, पूजा अर्चना के साथ विधिवत शुरुआत हुई है। अभी थोड़ी देर में आपको लीला का भी दर्शन करवाया जाएगा, जो सनातन संस्कृति को जीवित रखे हुए पीढ़ी दर पीढ़ी ये कलाकार यहाँ। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल दौलत सिंह पर। तो ये जो सनातन संस्कृति को आप लोगों ने जीवित रख रखा है, तो आप थोड़ा मेरे दर्शकों को थोड़ा बताइए कि कौन थे नरसिंह भगवान और आज तक हम इनको क्यों मनाते आ रहे हैं, इनकी जयंती है। ये जो आपने लीला है जो आप दिखाओगे, तो कौन थे नरसिंह भगवान, आप थोड़े मेरे दर्शकों को बताइए। पुराण में जैसा कि उल्लेख मिलता है, अजय और विजय जो भगवान श्री नारायण के द्वारपाल थे, एक बार ब्रह्मा जी के चार पुत्र हैं सनक, सनकादि, सनक कुमार, और वो दर्शन करने के लिए जाते हैं भगवान के। तो वहां पर वो द्वारपाल अजय और विजय उनको जाने नहीं देते हैं, आज्ञा नहीं देते हैं। तो इससे क्रोधित होकर के वो उन दोनों को श्रापित कर देते हैं, श्राप दे देते हैं। और वो श्राप देते हैं कि जाओ असुर हो जाओ, दैत्य हो जाओ। तो दैत्य हो जाने के बाद में उन्होंने पूछा, महाराज आपके आशीर्वाद से वो आपके श्राप से हम दैत्य तो हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद में हमारी मोक्ष कैसे होगी। तो उन्होंने उनको बताया कि यदि आप भगवान से वैर करोगे तो तीसरे जन्म में आपकी मोक्ष हो जाएगी, और यदि आप भगवान से प्रेम करोगे, भगवान की भक्ति करोगे, तो आपकी सातवें जन्म में मोक्ष होगी। तो उन्होंने क्या है, भगवान से वैर करने का रास्ता ही चुना, और सबसे पहले हिरण्य और हिरणाक्ष हुए, उसके बाद में रावण और कुंभकर्ण हुए, और उसके बाद में कंस और जरासंध हुए। तो हिरण्य और हिरणाक्ष का वराह अवतार भगवान ने, नरसिंह अवतार भगवान ने वध करके उनको एक जन्म से मुक्त कर दिया। उसके बाद में वो रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म उनका हुआ। तो भगवान राम ने, जैसा कि रामचरितमानस और रामायण में उल्लेख है, भगवान राम ने उनका वध किया और उसके बाद में उनको दूसरे जन्म की मोक्ष प्राप्त हुई। तीसरे जन्म में भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करके उनको मोक्ष प्रदान किया। हम ऐसा सुनते आ रहे कि लगातार आपकी पीढ़ी से ही ये परंपरा शुरू हुई है, कितनी पीढ़ी होगी आपको ये वंचन करते हुए? लगभग हमारी, जैसा कि जानकारी है मुझे, 7-8 पीढ़ियां हो चुकी हैं, और उससे पूर्व भी हमारे पूर्वजों ने इस लीला का मंचन किया है। और अब जैसा कि मैं, मेरे सामने तो मेरे ताऊ जी थे, वो भी मंचन करते थे, और चाचा जी है मेरे, ये नरसिंह भगवान की लीला का मंचन करते हैं, और इस आगामी पीढ़ी में मैं हूँ, तो मैं भी भगवान की जैसी सेवा पूजा होती है करने का प्रयास करता हूँ। तो आपका मूल गांव कौन सा है? ये तो मणकसास है। तो मणकसास में आकर नरसिंह भगवान के जो आप मंचन करते हो, क्या आपकी पीढ़ियां भी यही से समाज करी थी मंचन की? हाँ, मंचन की शुरुआत जो थी नरसिंह लीला की, वो यहीं से हुई थी, और हमारा मूल गांव हासपुरा है, जो अजीतगढ़ के पास में है। हमने एक बार ऐसा सुना है कि आपकी पीढ़ी में एक बार जब मंचन हुआ था, उस समय ऐसा भाव आ गया था नरसिंह जी का, तो उन्होंने जो नक्षत्र जो बनता है ना, जो लीला का मंचन करता, उनको चीर दिया था, ऐसा कोई है क्या? तो उसमें जैसा कि हमारे सुनने में भी आया है, उसमें मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन लोगों से सुनते हैं कि नरसिंह अवतार उन्होंने धारण किया था, तो उसके बाद में उनके अंदर ऐसा भाव आया कि उन्होंने जो हिरण्यकश्यप का जिसने मंचन किया था उसको तो चीर दिया था, ऐसा। दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा भाव उनमें आ गया था जैसे कि वो खुद को
नरसिंह रूप के रूप में मानने लग गए थे, जैसे भगवान उनके अंदर आ गए थे, पर उन्होंने उनको चीर दिया था जो उनके सगे भाई थे। कहते हैं बहुत ही अच्छा मंचन करते हैं, सनातन संस्कृति को उन्होंने जीवित रख रखा है, जो भारतीय परंपरा भारतीय जो संस्कृति कहीं ना कहीं विलुप्त होने के कगार पर है। हम सभी लोग पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं, आज भी ये परंपरा इस गांव से चली आ रही है सदियों से। जैसे आप लोगों ने बताया कि आज भी पीढ़ी तक आप लोगों ने ये मंचन किया है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि अभी तक आप लोगों में सनातन संस्कृति को जीवित रखने का उम्मादा है। अब आप नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हो? नई पीढ़ी को संदेश यही है कि वो सनातन धर्म में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए आगे भी इस प्रकार जो हमारे सनातन संस्कृति को जीवित रखने के कार्यक्रम है, रामलीला है, नरसिंह लीला है, भगवान के अवतारों का जो मंचन होता है, उसको अग्रसर जारी रखते हुए युवा पीढ़ी को एक संदेश दें और उनकी सनातन के प्रति आस्था है उसको प्रगाढ़ करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो युवा पीढ़ी को मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मोबाइल से थोड़ा बाहर निकले और सनातन संस्कृति को जाने। रामलीला, नरसिंह लीला ऐसी लीलाएं जो भगवान की जहाँ होती है वहां अपना शत प्रतिशत सहयोग देवे, सनातन संस्कृति को जीवित रखे। तो एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोले नरसिंह भगवान की। धन्यवाद। पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित देव सो प्रभु। बोलो बालाजी महाराज की जय। बालाजी महाराज की जय।